नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, ये वीडियो किसी रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं है। ये वीडियो में हम शिक्षा नगरी के एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम शिक्षा नगरी में एजुकेशन के लिए काम करने वाले हैं और उसका एक स्टेप हम लेने वाले हैं बहुत जल्दी ही, जिसके लिए हमें कुछ लोगों की आवश्यकता होगी। और ये वीडियो के माध्यम से जो भी इस प्रोफाइल के लिए फिट होंगे वो लोग अपने डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, हमें आवश्यकता है टीचर की। टीचर, तीन सब्जेक्ट के टीचर की आवश्यकता है। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में जो कैंडिडेट परफेक्ट हो, परफेक्ट ना हो, मॉडरेट हो, मीन्स एक्सेलेंट होना जरूरी नहीं है, वेरी गुड होंगे तो भी चल सकता, गुड भी होंगे तो भी चल सकता, लेकिन उनकी जो लर्निंग क्वालिटी है, जो उनकी ईगरनेस है, वो अच्छी होगी। अगर उनको सीखने की लगन होगी तो हम उनको हायर कर सकते हैं। दोस्तों, रिक्वायरमेंट को मैं आपको डिटेल में शेयर करता हूँ। हमें आवश्यकता है इंग्लिश टीचर की, जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ा सकें, स्पोकन इंग्लिश पढ़ा सकें और लिटरेचर इंग्लिश पढ़ा सकें। ऐसे इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ा सकें। और जो बच्चे होंगे वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होंगे। गवर्नमेंट स्कूल में 5वीं से लेकर 10वीं 12वीं तक के क्लास लेने पड़ सकते हैं। तो जो टीचर्स होंगे उनको इंग्लिश में परफेक्ट होना ज़रूरी है। उनका जो भी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेस पर जो स्किल सेट हम सेट करेंगे, उसके हिसाब से जो परफेक्ट होंगे हम उनको हायर करेंगे। बट कुछ कैंडिडेट्स को हम उस कंडीशन पे भी हायर कर सकते हैं, अगर वो परफेक्ट ना हुए, मीन्स थोड़ी बहुत अगर कमी है, लेकिन वो सीखने के लिए ईगर हों, उत्सुक हों, तो हम उनको भी हायर कर सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट के टीचर की आवश्यकता है सामान्य ज्ञान, जीके के। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके सब्जेक्ट आता है, जो भी जितना डीपली आता है, उस डीपली जीके को पढ़ाने के लिए हमें एक टीचर की आवश्यकता है, जिसका जीके स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसे टीचर की आवश्यकता है। वो लोग जो जिन्होंने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर किया हो या फिर क्वालिफाई किया हो, जो भी हो, बट उनको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तीसरे टीचर की आवश्यकता है स्पोर्ट्स के लिए, खेल कूद के लिए, खेल कूद व्यायाम के लिए भी हमें टीचर की आवश्यकता है, जिनको स्पोर्ट्स के बारे में अच्छे नॉलेज हो। अगर वो खिलाड़ी हों, प्लेयर्स हों, तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, ये हमें क्यों टीचर की आवश्यकता है। अभी जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा की जो अभी व्यवस्था है या फिर जो हालत है, वो बहुत अच्छी नहीं है, दयनीय कंडीशन है। अभी हम जहाँ पर भी जाते हैं, किसी भी शहर में अगर हम जाएं, अगर थोड़ा सा बी ग्रेड या सी ग्रेड कस्बे में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो वहाँ पर उतना ही लेवल डाउन होता है अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि सरकारी इंग्लिश, सरकारी स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट पर काफ़ी कम फोकस किया जाता है। इसके लिए हम लोग अभी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए हम गवर्नमेंट बॉडी से टाइप करेंगे और उसमें से गवर्नमेंट स्कूल में टाइप करके अपने टीचर्स को अपॉइंट करेंगे, जिसका पूरा एक्सपेंस हमारी कंपनी ट्रिपल वी बियर करेगी। और यहाँ पे जो भी टीचिंग मटेरियल होगा वो एक्चुअली कोर्स के हिसाब से ही होगा, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। और हमारा टारगेट होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सभी स्टूडेंट स्कूल टाइम में ही इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना सीख जाएं। क्योंकि जिस भी स्टूडेंट को अगर स्कूल टाइम में ही ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, उनका आगे का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही उज्ज्वल होता है। अगर उन्होंने इंग्लिश को अच्छे से समझना शुरू किया, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके लिए हम तीन टीचर की आवश्यकता, जो व्यवस्था करेंगे, जो भी हायरिंग होगी उनको अपॉइंट करके, जो भी स्कूल अलोकेट होगा वहाँ पर उनको रखेंगे, और उनको जो जो सब्जेक्ट दिया जाएगा, जो जो क्लासेस दिए जाएंगे, उन पर उनको टीचिंग करनी होगी। रिजल्ट लाना उनका काम होगा, और उनको सैलरी या जो उनकी सुविधाएं हैं उसके ऊपर उनको काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल स्कूल्स की, तो नॉर्मल स्कूल्स में जो प्राइवेट स्कूल्स होंगे ना, उनसे भी हम उनको बेहतर सैलरी और सुविधाएँ देने की प्रावधान रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें रिजल्ट से मतलब है, और जो टैलेंट है उस टैलेंट को ढंग से यूटिलाइज करने के लिए इस प्रोजेक्ट को हम चालू करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में जो भी एक्सपेंस होने वाला है, वो सारा एक्सपेंस ट्रिपल बी बियर करेगी। भले हम शुरू में कम टीचर्स अपॉइंट करें, हो सकता है शुरू में 5 या 10 टीचर अपॉइंट करें, उसके बाद जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा, वैसे वैसे हम और भी टीचर अपॉइंट करेंगे। दोस्तों, शुरू में जो टीचर हायर होंगे, वो टीचर अभी फ़िलहाल हम 2 टीचर लेंगे।
पहला टीचर इंग्लिश का और दूसरा होगा जीके का, और उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट में हम स्पोर्ट्स का टीचर भी लेंगे, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट के टीचर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए। हमारे प्रोजेक्ट में इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर जो अध्ययन करवाना है स्टूडेंट्स को, जो उनका सर्वांगीण विकास करवाना है, उनका मनोबल बढ़ाना है, उनका शिक्षा के प्रति रुझान करवाना है, रुचि लाना है, इन इसके लिए ये तीनों सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसका लॉजिक मैं सिंपली दे सकता हूँ कि जिसकी भी इंग्लिश अच्छी होती है उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा होता है। अगर सरकारी स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, पब्लिक स्पीकिंग आ जाएगी, तो डेफिनेटली उनका दूसरे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और उनका पढ़ने का जो इंटरेस्ट है काफ़ी अच्छा होगा, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। बात करते हैं जीके की। अगर किसी भी स्टूडेंट को सामान्य ज्ञान का जितना अच्छा नॉलेज है और उस नॉलेज के दम पर अगर वो किसी को आंसर करता है, कोई कॉम्पिटिशन में जीतता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। भले वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर वो इंग्लिश में या सामान्य ज्ञान में पीछे है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है। लेकिन अगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंग्लिश में और सामान्य ज्ञान में अच्छा है, तो संभवतः ये है कि वो लोग दूसरे सब्जेक्ट में भी रुचि दिखाने लगेंगे और उतनी ही मेहनत उन सब्जेक्ट्स में भी करेंगे। और स्पोर्ट्स की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि स्पोर्ट्स में बॉडी फिट रहेगी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, इसलिए उनका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हमें जीतना सीखने के लिए, उनको जीतना है, इसके लिए उनको स्पोर्ट्स नहीं सिखाना है, उनको बॉडी को फिट रखना है और खेल भावना उनके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि खेल भावना जिसके अंदर आती है वो एक अच्छा और सच्चा इंसान बनता है। इसके लिए तीनों सब्जेक्ट के टीचर की आवश्यकता है। इस वीडियो के माध्यम से जिनके पास ये स्किल्स हो, जो सोचते हैं कि उनकी जो स्किल है, उनकी क्वालिटी है, इस प्रोफाइल से मैच करती है, वो लोग हमें अपने आवेदन भेज सकते हैं। और जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनकी प्रोफाइल फिट नहीं होती, लेकिन उनको पता है कि उनके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा है जो इन प्रोफाइल से फिट होता है, मैच करता है, वो ये वीडियो उनके तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट ऐसी है जो समाज सेवा के लिए है, जिसमें हम सरकारी स्कूल के बच्चों का भला करने वाले हैं। सरकारी स्कूल में सिर्फ गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी कम परसेंट होगा जहाँ पर मिडिल क्लास के लोग वहाँ पर पढ़ते हैं, और अपर लेवल के लोग तो बहुत कम पढ़ते हैं। इसलिए अगर हमें उस तबके को शिक्षित करना है, उनको एक अच्छा माहौल देना है, उसके लिए इस प्रोजेक्ट में हमारी मदद ज़रूर करें। आप जो भी रिलेवेंट पर्सन होते हैं, जो इस प्रोफाइल के लिए परफेक्ट लोग हो सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास में है तो उनकी डिटेल आप हमें भेज सकते हैं। और अगर आप खुद इंटरेस्टेड है तो हमें डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कीजिए, और इसका जो अपॉइंटमेंट होगा हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे, सिलेक्शन का कन्फर्मेशन हम आपको जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स आते जाएंगे उसके हिसाब से देते जाएंगे। दोस्तों, सैलरी क्या रहेगी और फैसिलिटी क्या रहेगी उसके बारे में जो उनकी योग्यता होगी उसके हिसाब से डिस्कशन किया जाएगा। सैलरी इतनी गारंटी है कि उनको जो प्राइवेट स्कूल्स में जो सैलरी मिलती है, या फिर उनको जो बिगनिंग जो स्टार्टिंग किसी भी कंपनी में सैलरी मिलती है, उससे बेहतर देने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि वो लोग सभी लोग, जितने लोग भी इसमें टीचिंग करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को मेडिटेशन कंपलसरी होगा। वो सभी लोग मेडिटेशन करेंगे पहले, उसके बाद ही टीचिंग स्टार्ट करेंगे, और मेडिटेशन को टाइम टू टाइम मेंटेन भी करेंगे। मेडिटेशन और योगा उनकी लाइफ का अभिन्न भाग होना चाहिए। वो टीचिंग के साथ में अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, अगर वो चाहें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट के बारे में वो परफेक्ट होना चाहते हैं, वो स्टडी साथ साथ में कर सकते हैं, अपने बच्चों को टीच जो स्टूडेंट्स को शिक्षा देने के साथ पढ़ाने के बाद वो खाली टाइम में अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए काफ़ी अच्छी है, म्यूचुअल बेनिफिट ओरिएंटेड है, इसमें बच्चे भी लाभान्वित होंगे और जो टीचर होगा वो भी लाभान्वित होगा, क्योंकि जब वो बच्चों को पढ़ाएगा तो उसका ज्ञान वर्धन जरूर होगा, और अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो डेफिनेटली ये स्टेप उसके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है। हो सकता क्या, होगा ही, क्योंकि इस तरह से उनको अपने सब्जेक्ट का प्रैक्टिस रिविजन करने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।